बागेश्वर में उद्यान विभाग किसानों के लिए अदरक बीज मुहैया करा रहा है। सचल केंद्र के माध्यम से उद्यान विभाग किसानों को अदरक का बीज दे रहा है। बागेश्वर के उद्यान सचल केंद्र में भी सुबह से ही अदरक का बीज लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसानों को राज सहायता के आधार पर अदरक का बीज प्रदान किया जा रहा है। सहायक उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी ने बताया कि बागेश्वर में अदरक की खेती के लिए यहां का क्लाइमेट काफी अच्छा है। बागेश्वर में काफी किसान अदरक की खेती करते हैं। पहले दिन 300 से अधिक किसानों को अदरक का बीज मुहैया कराया जा चुका है। जिले के अन्य सचल केंद्रों में भी किसानों को अदरक का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए भी किसानों का रुझान अदरक की खेती की तरफ बढ़ा हुआ है। छह नाली में कुंटल ये अदरक का बीज देते हैं। उद्यान विभाग हमारी मदद होता है। ये तो सबसे मेन क्या है, बंदरों का ये बंदर अंदर ये इसे इसको खाते नहीं है, ये इसको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी खेती है और इसमें आय का जो संसाधन है अच्छा है। ये अदरक की काफ़ी डिमांड जनपद बागेश्वर में रहती है, उसी के तहत उद्यान विभाग के द्वारा हम 50% की राज सहायता पर काश्तकारों को अदरक का बीज मुहैया करा रहे हैं और प्रचुर मात्रा में अभी अदरक उपलब्ध है। मेरा सभी से अनुरोध है कि वो आएँ और पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर हम दे रहे हैं। और ये मानिए कि मार्च लास्ट अप्रैल से इसकी बुआई का सीजन शुरू हो जाता है और हम ये लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो अदरक को लगाने से पहले उसको ट्रीट जरूर कर लें किसी फंजीसाइड से। और दूसरा मसाला है, बंदरों का आतंक भी कम है, तो एक लाभप्रद फसल के रूप में अदरक की खेती जनपद में की जा रही है। आज सुबह से हमने यहाँ पर उद्यान सचल केंद्र बागेश्वर में अदरक बांटना शुरू किया है। लगभग 65 क्विंटल हमारे पास आया हुआ है और अभी तक ये मानिए कि 2 बजे तक हम 275 काश्तकारों को लाभान्वित कर चुके हैं। जी हम कोशिश करेंगे कि हम 600 से 700 लोगों को खाली उद्यान सचल केंद्र बागेश्वर से और जनपद में लगभग 5000 लोगों को अदरक का बीज देंगे। ये हमारा लक्ष्य है। जी हमारे जो उद्यान सचल केंद्र है उन सभी में भी अब अदरक कुछ दिनों में पहुंच जाएगा तो सभी काश्तकारों को फिर उपलब्ध करा दिया जाएगा। न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।